हेलो दोस्तों, आज हम भारत की जानी मानी कंपनी ऑडियो टेक का मॉसफेट AU5000 को अनपैक करके उसकी खासियत और उसकी टेक्निकल जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो देखिए। दोस्तों, यह है ऑडियो टेक कंपनी का मॉडल AU5000 वाट, जो अनपैक है और कंपनी से अभी आया हुआ है। इसे हम आपको खोल कर अभी दिखाने वाले हैं, तकनीकी जानकारियाँ भी आपको देंगे और हम इसमें आपको DJ बजा करके भी दिखाएंगे। दोस्तों, ये ऑडियो टेक कंपनी का AU5000 वाट का मॉसफेट है और इन बिल्ट क्रॉसओवर, मतलब क्रॉसओवर इसमें लगा हुआ है। ये खासियत है। ये फ्रंट पैनल है जहां ऑन ऑफ स्विच और वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है। अब हम आपको बैक पैनल दिखा रहे हैं। यह बैक पैनल है जिसमें इनपुट आउटपुट क्रॉसवर्ड की सेटिंग इत्यादि दिया गया है। ये कूलिंग फैन है, एक ए जोन के लिए और दूसरा बी जोन के लिए। ये इनपुट है आपका सिग्नल इनपुट ए चैनल और बी चैनल के लिए। ये आउटपुट है ए चैनल और बी चैनल के लिए। लिमिटर दिया गया है, सेंसिटिविटी दिया गया है और मोड दिया गया है। मोड इसमें 3 है, स्टूडियो, मोनो और ब्रिज। मोड को हम स्टूडियो में रखेंगे ताकि दोनों चैनल को स्टूडियो बजा सकें हम। क्रॉसओवर, यह क्रॉसओवर सेटिंग है चैनल ए के लिए, ये क्रॉसओवर सेटिंग है चैनल बी के लिए। ये ग्राउंड है, ऑन ऑफ दिया है। क्रॉसओवर सेटिंग मतलब कंपनी ने इसमें क्रॉसओवर फिट किया हुआ है, जिसमें अगर आप बेस चलाना चाहते हैं तो इसको बेस में कर दीजिए, अगर आप बेस और मिड दोनों चलाना चाहते हैं तो फ्लैट में कर दीजिए, अगर आप मिड चलाना चाहते हैं तो हाई में कर दीजिए। उसी प्रकार चैनल बी के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, इसको हम अभी फिलहाल सेंटर में कर देते हैं क्योंकि हमको बेस भी और मिड भी दोनों चाहिए, फ्लैट चाहिए हमको। इसको हम सेंटर पोजिशन में, जो स्लाइडर स्विच है अंदर में दिया हुआ, स्लाइडर स्विच आपको वीडियो में दिख रहा होगा, अंदर में मैंने ये पेचकस की सहायता से इस स्लाइडर स्विच को सेंटर में कर दिया है। दोस्तों, इसको हम कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों, ये दो टॉप और ये दो बेस। टॉप 900 वाट के हैं, बेस 1000 वाट के हैं। इन दोनों टॉप और बेस को मैं इस 5000 AU5000 में बजा के दिखाऊंगा। इन दोनों को मैंने एक साथ जोड़ करके एक लीड निकाल लिया है और इसको मैं चैनल ए में दे रहा हूँ। मैंने स्पीक ऑन सॉकेट में चैनल ए को दिया है। ये इसमें हमारा दो टॉप लगा हुआ है 900 वाट के। उसी प्रकार मैंने ये बेस का कनेक्शन चैनल बी में दे रहा हूँ। दोस्तों, दो टॉप और दो बेस। टॉप है 900 वाट के, 9 × 2 = 1800 वाट। बेस है 1000 वाट के, 2000 वाट। दोनों को मैं आपको AU5000 में बजा कर दिखा रहा हूँ। इन दोनों का कनेक्शन मैंने चैनल ए में दिया हुआ है और इन दोनों बेस का कनेक्शन मैंने चैनल बी में दिया हुआ है। दोस्तों,
मैंने ए चैनल में टॉप लगाया हुआ है 900 वाट का दो पीस, और बी चैनल में 1000-1000 वाट के दो पीस बेस लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले इसकी सेटिंग फ्लैट में करके रखी हुई है, लेकिन अभी मैं बेस बजाने जा रहा हूँ। बी चैनल में मुझे बेस बजाना है और चैनल वन में मुझे हाई यानी कि टॉप बजाना है। तो मैंने चैनल ए के लिए फ्लैट करके रखा हुआ है, जिसको मैं ये हाई कर देता हूँ। ये चैनल ए का हाई कर दिया और चैनल बी का मैं बेस कर देता हूँ। क्रॉस वायर सेटिंग है ये, ध्यान रखेंगे, क्रॉस वायर सेटिंग की वजह से चैनल बी को मैंने लो में रखा है और चैनल ए को मैंने हाई में रखा है। ये अंदर में स्लाइडर है, जिसे आप इस तरफ कर दीजिए और चैनल बी में ये स्लाइडर अंदर से लो में कर दीजिए। तो मेरा ये मॉसफेट अब चैनल ए के लिए हाई में सेटिंग हो गया, चैनल बी के लिए लो में सेट हो गया, यानी कि चैनल ए में टॉप बजेगा और चैनल बी में खाली बेस का आवाज़ आएगा। मुझे और कोई बाहरी क्रॉस वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनपुट देंगे इसमें। चैनल वन का इनपुट, ये चैनल बी का बेस के लिए इनपुट, ये टॉप का इनपुट है, दोनों कनेक्शन। इन दोनों जैक को मैं मिक्सर के मेन आउटपुट पे डालूंगा, ये एल और ये आर। मैं अभी मिक्सर की सेटिंग भी आपको समझाऊंगा, चिंता की बात नहीं है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए आप। स्टूडियो टू डबल जैक, स्टूडियो टू फोनो बोलते हैं इसको। ये पिन, ये लीड लिया मैंने मोबाइल से जैक वाला। ये मिक्सर का इनपुट है, इनपुट डाल दिया, लाइन इनपुट। ये मेन आउटपुट, मेन आउटपुट है ये एल आर। इनपुट अपन मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप हम किसी से भी दे सकते हैं। फिलहाल आपको मैं मोबाइल से बजा करके दिखाऊंगा। लगभग मेरा वायरिंग कनेक्शन पूरा हो चुका है, सिर्फ टेक्निकल यहाँ बचा हुआ है, उसको भी मैं आगे आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये मिक्सर का सेटिंग है, मिक्सर का सेटिंग आप ध्यान देंगे कि ये मैंने एल में, ये पेन होता है, पेन लिखा है पी ए एन पेन, जिसकी सेटिंग जीरो सेंटर में रहती है और इस तरफ घुमाने से एल होता है और आर लिखा हुआ है। दूसरा चैनल को हम आर की तरफ कर लेंगे। एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, दो चैनल हमको बनाना रहता है डीजे में, एक लेफ्ट चैनल एक राइट चैनल। उसी प्रकार हमारा आउटपुट भी एक लेफ्ट चैनल के लिए रहता है, एक राइट चैनल के लिए रहता है। दो आउटपुट है, दो आउटपुट को हम मॉसफेट में, ये दो आउटपुट होता है, इन दो आउटपुट को हम मॉसफेट में चैनल लेफ्ट के लिए, चैनल राइट के लिए या टॉप के लिए और बेस के लिए यूज करते हैं। दोस्तों सेटिंग समझना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको एक एक सेटिंग धीरे धीरे बताने जा रहा हूँ, आराम से आप देखेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डीजे बजाने के लिए, आप खुद डीजे बजा सकते हैं। ये चैनल ए है, इस चैनल में मैंने टॉप लगाया हुआ है, यानी कि मुझे टॉप बजाना है, टॉप में मिड और हाई आता है। इस चैनल के लिए मैं कनेक्शन करने जा रहा हूँ टॉप के लिए, टॉप के लिए मैंने एल रेप्ट, एल दिख रहा है मिक्सर में, ये एल दिख रहा है, एल दिख रहे हैं। मैं एल को लेफ्ट चैनल बना रहा हूँ, यानी कि मैं इसमें टॉप चलाना चाहता हूँ, मैं इसको एल लेफ्ट वाले चैनल में डाल दिया। अब एल, यहाँ पर एल दिख रहे हैं, पहला वाला चैनल,
इसको मैंने पेन लेफ्ट करके रखा हुआ है एल में, ये देखिए एल में है, इसकी सेटिंग मैंने एल में कर रखी है। अब इसी में मैं आगे आऊँगा, ये मुझे एल एफ लिखा हुआ बगल में, देखिए ध्यान से एल एफ यानी कि बेस। चूंकि हमारा ऑडियो टेक का स्पीकर 400 वाट बेस और मिड वाला स्पीकर है, इसलिए हम इसमें बेस भी बजा सकते हैं। तो मैंने बेस को थोड़ा सा ओपन कर दिया सेटिंग के लिए, मैंने मिड एम एफ बगल में लिखा हुआ है मिड को भी थोड़ा सा सेट ओपन कर दिया, उसमें हाई भी मैंने ओपन कर दिया। इसकी मेन वॉल्यूम अभी मैं बंद करके रखा हुआ हूँ, पूरा जीरो में अभी। और इसका मास्टर मैंने अभी जीरो करके रखा हुआ है, मास्टर है। अब हम दूसरा चैनल चैनल बी में मैंने जो इनपुट लगाया हुआ है उसका कनेक्शन मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे मिक्सर के एल और के नीचे आर जो लिखा हुआ है, ये आर जो लिखा हुआ है राइट चैनल में मैंने कर दिया है कनेक्शन इसका। और इसमें मुझे बेस बजाना है और मिक्सर का ये सिग्नल, मैंने दो सिग्नल लेके रखा हुआ है लैपटॉप या मोबाइल से। तो एक सिग्नल को मैंने टॉप में भेज दिया है, ये वाला जो मैंने सेटिंग आपको दिखाया। अब मेरे पास ये वाली चैनल पड़ी हुई है, इस चैनल में मैंने पेन को आर में करके रखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे ये आर है, ये आर में मैंने इसकी सेटिंग करके रखी हुई है, यानी कि राइट चैनल मैंने इसे बनाया हुआ है पेन, ध्यान रखेंगे इसका। अब इसमें मुझे सिर्फ बेस बजाना है, खाली बेस बजाना है, इसलिए मैं एल एफ फ्रिक्वेंसी जो दिख रहा है एल एफ फ्रिक्वेंसी, इसको मैं खोलूँगा, ओपन करूँगा और बाकी सभी फ्रिक्वेंसी को मैं बंद कर दूँगा, क्योंकि मुझे इस चैनल में खाली बेस बजाना है। तो मेरा मिक्सर का सेटिंग कंप्लीट हो गया, मेरा इनपुट ओके है, आउटपुट मिक्सर से ओके है, ये आउटपुट मेरे मॉसफेट के इनपुट में ओके है, मेरे मॉसफेट से आउटपुट स्पीकर के लिए वायर ओके है, मुझे सिर्फ चलाना है। तो दोस्तों आइए चलाते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये मॉसफेट का कनेक्शन है, एसी प्लग किया मैंने, ये मिक्सर का एसी प्लग किया मैंने, ऑन किया पावर ऑन, 00 है, वॉल्यूम सेंटर में कर दिया, मैं दोनों वॉल्यूम खोल दिया, यहाँ टेम्परेचर दिखा रहे हैं, 24 का टेम्परेचर है अभी, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। दोनों फैन की आवाज़ आ रही है, कूलिंग सिस्टम चालू हो गया है, अपन कंप्यूटर से इन लिए हैं, पूरा सेटिंग मैंने पहले से समझा दिया आपको। ये मैं आवाज़ खोल रहा हूँ टॉप का बेस का, लेफ्ट चैनल ध्यान देंगे ग्लो हो रही है, लेफ्ट राइट लेफ्ट चैनल, ये वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, राइट चैनल, अपन राइट चैनल देखेंगे, राइट चैनल जो बना के रखा हुआ है मैंने, बेस का आवाज सुनाई दे रहा होगा, राइट चैनल के लिए जो हमने सेटिंग किया हुआ है, बेस के लिए सेटिंग किया हुआ है, ये राइट चैनल, ये लेफ्ट चैनल, अपन दोनों चैनल को खोल लेते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई समस्या है इस डीजे चलाने ऑपरेट करने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा।